जनसत्ता वेबसाइट के अनुसार बीजेपी ने 30 दिनों में 30 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। बीजेपी ने 30 दिनों में 30 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी एक दिन में 1 करोड़ और हर घंटे 4 लाख रुपए। पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश का, जिसमें बीजेपी 2 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च किए हैं। दोस्तों आज हंसी आ रही है कि जहां अंधभक्त मजबूरी में गौमूत्र और गोबर खाने पे मजबूर है, वहीं उनकी कट्टर धार्मिक और राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता के लिए अरबों रुपए पानी की तरह बहा रही है। हमको जिंदा मत छोड़ो साला। तो मैं जेपी सचिवा और आप देख रहे हैं GND हिंदी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की। दोस्तों जनसत्ता वेबसाइट के अनुसार बीजेपी ने 30 दिनों में 30 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए विज्ञापन पर। कहा जा रहा है कि इन विज्ञापनों में बीजेपी अपने कार्यों एवं योजनाओं के बारे में लोगों को बता रही है और दिखा रही है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि इन 10 सालों में मोदी जी देश के लोगों का और देश का विकास किया होता तो शायद उन्हें इस तरह का विज्ञापन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती और विज्ञापनों पर इस तरह का अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बड़ी अच्छी बात कही है। खैर, बीजेपी ने 30 दिनों में 30 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी एक दिन में 1 करोड़ और हर घंटे 4 लाख रुपए विज्ञापनों पर बीजेपी के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? और ये पैसे देश के विकास में खर्च नहीं हो रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर मोदी जी का चेहरा चमकाने के लिए इस तरह के विज्ञापन दिखाकर देश की जनता का अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खैर, किस राज्य में बीजेपी ने 30 दिनों में कितने पैसे खर्च किए हैं, अब इसे जान लीजिए। पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश का, जिसमें बीजेपी 2 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च किए हैं विज्ञापन पर। इसी तरह तमाम और भी लिस्ट में नाम है राज्यों के, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में 2-2 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं सिर्फ विज्ञापन दिखाकर मोदी जी का चेहरा चमकाने के लिए। खैर, बेरोजगार और भूखी पड़ी जनता के सामने मोदी जी के द्वारा विज्ञापनों पर अरबों रुपए फिजूली खर्च को लेकर आप क्या कहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।